फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकरी एंड ब्यूटी टिप्स। आप मौजूद हैं सलमा के साथ और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सा मैजिकल मास्क। वो भी बनेगा ऑरेंज से। तो कैसे बनेगा ये, आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑरेंज मास्क बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा ऑरेंज के छिलकों का पाउडर। तो हम ये तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ऑरेंज ले लेंगे और ऑरेंज के जो है छिलकों को हम इस तरह उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद हमने इन छिलकों को धूप में रख देना है, और जब हम धूप में रखेंगे 3 से 4 दिन तो हमारे पास इस तरह के छिलके जो है वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाएंगे। और फिर हमने ये देखें, इनको हमने फिर ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद हमें इस तरह का पाउडर मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही बेहतरीन है स्किन के लिए। विटामिन सी इनमें मौजूद होता है जो कि कोलेजन को जो है फॉर्म करता है और स्किन को हेल्दी ग्लो देता है और यूथफुल बनाता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा है बेसन। बेसन लेंगे हम। बेसन भी जो है स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, एंटीसेप्टिक है, और ये जो है चेहरे पे जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं उनको रिमूव करता है। और इस्तेमाल करेंगे हम इसमें टर्मरिक पाउडर। और लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम जी। तो ये 1 चम्मच मैंने बेसन ले लिया। 1 चम्मच बेसन के अंदर हम ये 2 चम्मच जो हैं ऑरेंज पाउडर यूज़ करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पानी ऐड नहीं करना, रोज़ वाटर से ही इसका हमने अच्छे से पेस्ट बना लेना है जी। तो इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको अप्लाई स्किन पे कैसे करना है, आपने इसको स्किन पे लगाना है और 10 मिनट के लिए स्किन पे ऐसे ही लगे रहने देना है। फिर नॉर्मल वाटर से आपने फेस को वॉश कर लेना है। तो मैजिकल बिल्कुल आपके फेस पर जो इफ़ेक्ट आएगा वो एकदम मैजिकल होगा। फेस जो है आपका बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो करेगा। हफ्ते में आप इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को देख पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। गुड बाय।